मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई क्या हो गया है, आरा वालों की आवाज को ऐसे आवाज होगी क्या? वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी आवाज जानी चाहिए। देश के सभी राष्ट्रवादियों का हौसला बुलंद होना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, झंडा उठाइए और प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, राज्य के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु दीदी उप मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिंह जी, सभापति बिहार विधानसभा अवधेश नारायण सिंह जी, यहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री राजकुमार सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सबके साथ मिलकर संजय भाई की पूरी टीम के साथ मेहनत की है। ऐसे नित्यानंद राय जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, राधा मोहन बाबू जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, यहां उपस्थित रामकृपाल यादव जी, सभी सांसदगण, बिहार सरकार के मंत्रीगण और आज लाखों लाखों की संख्या में यहां आए हुए वीर कुंवर सिंह जी की जन्मभूमि के, उनके बलिदान भूमि के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को दो हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, एक कार्यक्रम के लिए जब मुझसे बिहार यूनिट ने और नित्यानंद जी ने समय लिया, तब मेरे मन में ऐसी कल्पना नहीं थी। उन्होंने कहा, हजारों लोग तिरंगा लेकर इस भूमि पर राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे। मैंने तो हाँ बोला, भाई चलो मैं आऊंगा, मगर मैं हेलीकॉप्टर से नजारा देखकर आया हूं। तीनों और पांच पांच किलोमीटर तक मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, तिरंगे तिरंगे दिखाई पड़ते हैं। जितने लोग आज हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक, हमारे जान से प्यारा एक तिरंगा लेकर ये 3 लाख फुट के पंडाल के अंदर उपस्थित है, उससे ज्यादा लोग आज रोड पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज हम सब यहां पर बाबू कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया और ये निर्णय के 3 पहलू थे। इसमें सबसे बड़ा पहलू था कि हमारी आजादी के लिए जिन्होंने सर्वस्व बलिदान किया है,
उनको युवा पीढ़ी की स्मृति में फिर से जीवन कर उनको श्रद्धांजलि देना। और मैं आज बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि आज इतिहास ने तो बाबू कुंवर सिंह के साथ अन्याय किया, उनकी वीरता, उनकी योग्यता, उनके बलिदान के अनुरूप इतिहास में इतिहासकारों ने उनको स्थान नहीं दिया, मगर आज बिहार की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं, 58 साल हो गए, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में, रैलियों में गया हूं, मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहां दिख रहा है वो देखकर मैं साच अर्थ में निशब्द हूं। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। लाखों लाखों लोग कोई कारण के बगैर चिलचिलाती धूप में नंगे सर तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारा जो ये क्षेत्र है ये विश्वामित्र की जन्मभूमि माना जाता है। ताड़का वध यहीं पर प्रभु श्री राम ने किया था, यहीं से मिथिला जाने की प्रेरणा मिली थी। यही भूमि है जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जन्मभूमि रही। यही भूमि है शिव पूजन सहाय, महान कवि शैलेंद्र बिंदेश्वरी दुबे और सहकारिता के पुरेदा तपेश्वर सिंह की भूमि रही है। इस भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत कराना चाहता हूं। मित्रों, जय प्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र बाबू, भगवान बुद्ध और महावीर की ये भूमि बिहार रही है। मित्रों, आज जब हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मोदी जी ने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे हैं। एक तो आजादी के वो दीवाने जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनकी स्मृति, उनकी कृति आज की युवा पीढ़ी के मन में गौरव के साथ सालों सालों तक यशोगान करती रहे, इस प्रकार से इसको जीवंत करना। दूसरा, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 साल में देश ने जो कुछ भी प्राप्त किया है इसको चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न करना और एक संकल्प ऐसा लेना जिससे जब आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब मेरा और आपका ये महान भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सर्वोच्च स्थान पर बैठा हो। मित्रों, सर्वोच्च स्थान पर मोदी जी ने कल्पना करी 2047 में पूरी दुनिया के सभी देशों की स्पर्धा में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं 57 की बात जरूर करूंगा। आजादी के पहले संग्राम को इतिहासकारों ने हमेशा एक विफल विद्रोह कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। वीर सावरकर ने पहली बार उसको आजादी का पहला स्वातंत्र संग्राम कहकर सम्मानित करने का काम किया।
मित्रों नाना साहेब पेशवा, अजीमुल्ला खान, बेगम जीनत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, न जाने कितने करोड़ों लाखों लोगों ने अपनी जान नौछावर कर अंग्रेजों के नीचे जमीन हिलाने का काम किया था। और वीर कुंवर सिंह जी उसमें एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 80 साल के होने के बावजूद आरा सासाराम से लेकर अयोध्या तक और अयोध्या से बलिया होते हुए फिर से आरा तक विजय झंडा फहराने वाले एकमात्र पराक्रमी पुरुष वीर कुंवर सिंह जी थे। उनके हाथ में गोली लग गई, गैंगरिंग होने का डर था, गैंगरिंग न हो इसलिए अपना ही हाथ से अपना हाथ काटकर गंगा में समर्पित करने का साहस कुंवर सिंह के अलावे किसी में नहीं हो सकता। इतना खून बहने के बावजूद चार चार दिन तक वो वीर व्यक्ति का जान नहीं गया। जब यहां कर आजादी का झंडा फहराया तब जाकर उसके 3 दिन बाद वो शहीद हुए। मित्रों आज मैं वो स्थान पर गया था, कुंवर सिंह बाबू की मूर्ति को वहां पर भी श्रद्धांजलि देकर आया हूं। मेरे साथ में आर के सिंह जी बैठे थे, मेरे कान में धीरे 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 कहते थे कि कुंवर सिंह बाबू की स्मृति में यहाँ भव्य स्मारक बनना चाहिए। आर के सिंह जी आप चिंता मत करिए, भारत सरकार एक भव्य स्मारक जरूर, क्योंकि यह स्मारक वीर कुंवर सिंह जी की यशोगान तो है ही, इसके साथ साथ ये स्मारक 1857 के सभी स्वातंत्र सेनानियों का स्मारक बनेगा जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों को कह दिया था यहां पर आप हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते, भारत छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। माताओं भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने 1857 और 58 में बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, काजीपुर, सासाराम, गोरखपुर और अयोध्या तक आजादी की आहलेख जगाने का काम किया था। और जब यहां पर अंतिम लड़ाई लड़े, गंगा नदी को पार करते हुए हाथ में गोली लग गई, अपना ही हाथ काटकर यहां स्वतंत्र भारत का झंडा फहराकर वो वीर सपूत ने अंतिम सांस ली। मित्रों मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, कुंवर सिंह बाबू बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इस तरह से पिछड़े और दलितों को उन्होंने कल्याण करने का एक विचार उस जमाने में देश के सामने रखा था। आज नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेक विध योजनाएं लेकर आए। मैं आज कहना चाहता हूं मित्रों, हम कल्पना ही नहीं कर सकते अगर नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ के देश का मुफ्त टीकाकरण न करते तो न जाने कितने लोग मारे जाते। जो धनवान होता था वो तो पैसा खर्च कर टीका ले लेता, मगर मेरे अति पिछड़ा समाज के भाई बहन, दलित समाज के भाई बहन, आदिवासी समाज के भाई बहन कहां टीका लगाते। मोदी जी ने योजना बनाकर 130 करोड़ की आबादी को दोनों टीका मुफ्त लगाकर सुरक्षा का सुदर्शन चक्र बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ 60 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज 2 साल तक देने का काम किया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, और बिहार के ही मछुआरा समाज के भगवान लाल साहनी को उसका पहला अध्यक्ष बनाने का गौरव श्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इन्होंने
हर गरीब को आवास, गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली और 5 लाख तक का आरोग्य का बीमा देकर गरीबों को पहली बार देश की विकास प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का काम किया है। मित्रों, बिहार के 84 लाख माताओं को उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर मिला है। 78 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया मिल रहा है और 38 जिलों में आत्मनिर्भर क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाए हैं। मित्रों, 1,25,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का पैकेज, जिसमें पूरी की पूरी योजनाएं अब शुरू हो चुकी है। लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड से दिया है। भोजपुर में एक नई कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना करने का काम भी किया है। समस्तीपुर में 11 करोड़ से बना एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट का भवन भी नरेंद्र भाई ने ही बनाया है और बिहार के गन्ना किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि देने का काम किया है। बरौनी में रिफाइनरी की क्षमता का विस्तार किया है, फर्टिलाइजर प्लांट लगाया है, 617 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन 2300 करोड़ रुपया की इसका काम चल गया है। परादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन 1800 करोड़ की उसको आगे बढ़ाया है। बोध गया में आईआईएम की स्थापना करी है और 48 रोडों में 54,700 करोड़ रुपये का निवेश करने का काम किया है और दरभंगा में 100 करोड़ की लागत से एक नया एयरपोर्ट हो रहा है और पटना एयरपोर्ट का विकास 1200 करोड़ रुपये से किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी लालू रबड़ी के राज में, वो भी जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारे आरजेडी के मित्र, शायद उनको लगता है कि लालू जी की फोटो नहीं लगाएंगे तो बिहार वाले लालू यादव का राज भूल जाएंगे। मुझे बताओ भाई, जंगल राज आप भूल सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, भूल सकते हो क्या? यही बिहार था जहां सरेआम हत्याएं होती थी, गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था, पीने का पानी का सवाल नहीं था, जाति के आधार पर भेदभाव होते थे, गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं थी, कोई स्वास्थ्य परियोजना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार और सुशील जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए दिया और आज बिहार के अंदर औद्योगिक विकास भी हो रहा है। 30,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, कानून और व्यवस्था ठीक हुई, ढेर सारे शिक्षा संस्थान यहाँ पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने करा है। मित्रों, आज अंत में मैं वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया। बहुत छोटा था जब मेरे घर पर इतिहास पढ़ाने के लिए गुरुजी रखे थे, उन्होंने बाबू कुंवर सिंह के हौसले और वीरता की बात पढ़ाई थी, तब भी 7-8 साल का बच्चा था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आज जब ये लाखों लाखों लोग बाबू कुंवर सिंह को तिरंगा लेकर श्रद्धांजलि देने आए हैं, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक आदमी कैसा था,
कि शहीद होने के 163 साल बाद भी आज लाखों लाखों लोग उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इस चिल्लाती चूक में आए। मैं मेरे भाषण के अंत में सुभद्रा चौहान के सन 57 के लिखे गए काव्य को मैं जरूर चार पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। सुभद्रा चौहान ने कहा है, इस स्वतंत्रता माया युद्ध में कई वीरवर आए काम, नाना धंधुपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गण गगन में अमर रहेंगे इसके नाम। मित्रों, कुंवर सिंह बाबू ने इतिहास ने जो न्याय किया होगा, आज भी 150-200 साल के आसपास होने को आए, आज जो जनता में उनके लिए भाव है वो देखकर मैं कह रहा हूं, जब तक भारत का नाम रहेगा बाबू कुंवर सिंह जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहने वाला है। फिर से एक बार आप सभी को एक महान योद्धा और अपने जान की परवाह न करने वाले बलिदानी वीर के लिए आप सब यहां पर आए हैं, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर नमन करता हूं और फिर एक बार जोर से वंदे मातरम का नारा बाबू कुंवर सिंह जी की याद में हम लगाए, ऐसी मैं आपको अपील करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिएगा, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, बाबू कुंवर सिंह, वीर बाबू कुंवर सिंह, वीर बाबू कुंवर सिंह।